अच्छा, तुम्हारा सबसे नापसंदीदा सेगमेंट शुरू करूं? मुहावरों का इस्तेमाल नहीं, बदतहजीबियां। अच्छा बताओ, बैठोगे कि जाओगे? अगर विद पे छुट्टी दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी। विद पे नहीं यार, आज बर्दाश्त कर लो। फिर मैं बदतहजीबियां शुरू करूंगा। हाँ जी, तुम कर लो। सबसे बड़ी बदतहजीबी ये है कि तीन आदमी बैठे हों एक जगह पे और दो ने अपने आगे लैपटॉप रखे हों, यानी ये स्मार्ट कंप्यूटर। अच्छा, तो तीसरे को और कुछ नहीं तो चलो कम से कम वाजे ही रख दो इधर, उसका भी दिल लगा रहे। अच्छा, हमारी आज की पहली बदतहजीबी का ताल्लुक हमारे घरों से है। देखने में ये आ रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, नई नस्ल जो है, वो बड़ों की मौजूदगी में इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं करती कि कौन सा मजाक उनके सामने करने वाला है और कौन सा नहीं, कौन सी बात उनके सामने करने वाली है और कौन सी नहीं। सही। वो बिल्कुल, यानी इतने वो खुदसर हो चुके हैं ज्यादातर बच्चे कि वो बिल्कुल इस बात को फरामोश कर देते हैं बड़ों की मौजूदगी को। यार अब तो ऐसे दलेर बच्चे आ गए हुए हैं कि ऐसा ऐसा मजाक कर देते हैं कि चंगा बड़ा भाई भी पास से कर देता है। हाँ भाई। सर वाकई मेरे बाबा बताते हैं कि जैसे कि दादा बू घर में आते थे ना, तो वो कोना ढूंढ रहे होते थे कि किसी ऐसे कोने में जाके छुप जाए जहां दादा बू देख ना सके। और ये तुम्हारे अबू तो अपने अबू की बात बता रहे हैं ना, किसी का अबू आता था तो दौड़े लग जाती थी बच्चों की। अच्छा, हमारी अगली बदतहजीबी ये है कि बहुत ये कॉमन सीन है कि घरों से बाहर लोग अपनी गाड़ियों को धोने को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय ये कि कार पोर्चेस में अंदर धोएं और उसके पानी के निकास का इंतजाम करें। माय गॉड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो थोड़ी देर में जो है गाड़ी धोने के बाद वो जगह जो है पूरी तालाब बन जाती है। और कई भाई साहब तो ऐसे भी हैं कि कार पोर्च में भी गाड़ी धोए तो पानी सारा बाहर ही आता है। हाँ, पानी के निकास का कोई इंतजाम नहीं। इतने तकलीफ नहीं की होती कि गेट के आगे को नाली बना ले। अल्लाह जानता है, मैंने देखा कि 1.5 करोड़ का घर बनाया हुआ, 1200 की नाली नहीं बनाई हुई। बहुत तफीक नहीं है। और आकड़ के फिर रहे होते, मेरी कोठी है जी, मेरी कोठी, नाली कोई नहीं है, मेरी कोठी। अच्छा, अगली हमारी बदतहजीबी का ताल्लुक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से। ये अक्सर देखने में आया है कि आप किसी 2-3 लोग इकट्ठे एक जगह पे बैठे हैं और मोबाइल पे कॉल आती है। अब दूसरे शख्स को बताए बगैर जो यहाँ पे कॉल रिसीव कर रहा है वो स्पीकर फोन ऑन कर देता है। ये परले दर्जे की बदतहजीबी है कि जिसकी आप कॉल रिसीव कर रहे हैं उसको बताए बगैर, यानी एक तरह की प्राइवेसी है, वो ये समझ रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है और आप आगे से ना सिर्फ खुद उसकी बात सुन रहे हो बल्कि 3-4 और लोगों को भी सुना रहे हो उसके इल्म में लाए बगैर। भाई यार, इस बदतहजीबी से तो बहुत बहुत बड़े झगड़े भी हुए हैं भाई। अच्छा, वो क्या? ओ, मेरा एक दोस्त वाकफकार था, वो जनाब मुझसे शुरू हो गया कि यार ये तुम्हारे इलाके का जो SHO है ये कैसा बंदा है। मैंने साफ साफ बता दिया कि कैसा बंदा है। ओहो, वो कहीं SHO के पास ही बैठा हुआ था। माय गॉड। और स्पीकर उसने खोला हुआ था। बस फिर मेरा और SHO का झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? अच्छा। हाँ, 5 लगाया उसने पूरा मुझे। इसे झगड़ा नहीं, फेंटी कहते हैं। झगड़ा वो होता है जो दोनों तरफ से बराबर हो। वो तो दोनों तरफ से बराबर ही था। मैं भी कोई काम नहीं था कर रहा, मैं भी बहुत बहुत ऊंचा रो रहा था। अच्छा, मोबाइल की एक और बदतहजीबी है कि आप किसी की कॉल जब रिसीव कर रहे हैं उसके इल्म में लाए बगैर आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भी बहुत बदतहजीबी। इस पे भी बहुत बहुत बड़े झगड़े हुए हैं। इस पे क्या हो गया? क्या हो गया यार, को अपना भी सुनाओ, तुम मेरी भी स्थिति सुनते रहते हो। अच्छा, कॉल रिकॉर्ड करके गालिबन किसी और को सुनाते हैं। हाँ, सबूत के तौर पर रिकॉर्ड की जाती है ना, और आपस की जो सियासत है, और खास तौर पर ये बदतहजीबी दफ्तरों में की जाती है। जो दफ्तरी सियासत है ना, उसके लिए ये हर बार इस्तेमाल किया जाता है कि फलां शख्स तुम्हारे बारे में ये कह रहा था और मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है बात, और ये सुन लो। यार ये जो मेरी नौकरी मेल में से खत्म हुई थी वो किस लिए खत्म हुई थी? यही स्यापा पड़ा था मुझे। क्या? और मैंने अपने कुलीग को फोन किया, मैंने कहा यार साहब को कहना मैंने आज नहीं आना। वो आगे से कहता भाई मैंने नहीं कहना, वो बड़ा डांड आदमी है। मैंने अभी गुस्से में 2-3 बदतमीजियां कर दी। अगले दिन मैं उधर गया हूँ मिल में, गेट पे पहुंचा हूँ, अभी स्कूटर से मेरा ख्याल है कि पूरा उतरा भी नहीं था मैंने। अच्छा, वो चौकीदार ने मुझे पकड़ के उधर सड़क पे ही लम्या पा लिया। मैंने बड़ा पूछा कि भाई यार मेरा क्यों इतना एहतराम कर रहे हैं? कहते हैं जी अंदर से सांप का आर्डर आया। फिर क्या हुआ? बस फिर स्कूटर लेने में अगले दिन गया था उधर। फिर एक गार्ड ने मुझे चपेट काट मारी।
मैंने कहा अब क्या हुआ है? कहते भाई जी कल मैं छुट्टी पे था। अच्छा हमारी अगली बात है जी भी ये है कि आपने महसूस किया होगा कि घरों में जिस जगह हमारे फोन सेट पड़े होते हैं उसके करीब जो दीवार होती है वो टेलीफोन नंबरों से भरी होती है, यानी हमने एक तरह की जो वॉल पे फोन डायरेक्टरी पूरी लिख देते हैं, जो नंबर सुनते हैं वो साथ लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा भला घर नया पेंट और वहां पे पूरा जो वो उसकी टेलीफोन डायरेक्टरी है वो उसका नक्शा पेश कर रही होती है, बेड़ा गर्क कर देते हैं हम घर का वहां पे। बड़ा सारा फूफो खाड़ा लेके आगे थोड़ा सा नंबर लिखा, ताया बशीर किसी और रंग का लिखा होता है, आगे नंबर किसी और रंग का लिखा, दूध वाला नीचे लिखा होता है, नंबर उसका ऊपर लिखा होता है, सारे नंबर मिक्स हुए होते हैं। मैंने एक दिन दूध वाला नहीं आया कुछ देर, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने ताया को नंबर मिला के गालियां निकालनी शुरू कर दी। मैंने कहा दूध लेके नहीं आ रहा, कहते पुत्र अभी आया मैं, बस फिर वो आ गया। फिर बस आते ही उसने मुझे यार तुम सारी बात क्यों सुनते हो, कौचलपुणे में तुम हर बात ही मुझसे सुनते रहते हो। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। हर पत्ते सी भी आपके साथ हुई होती है, तुम दोनों बाहर आ जाओ, मुझे घेर के तुम सारी स्टोरियां मेरी सुन लेते हो।